दुनिया भर की ऑटो कंपैरिजन और न्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि गाड़ियों की दुनिया की जुड़ी हुई खबर कोई भी आपसे मिस ना पाए। हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा कंपैरिजन होने वाला है महिंद्रा की दो सबसे ज़बरदस्त एसयूवी गाड़ियों के बीच। पहली गाड़ी का नाम है महिंद्रा की थार और दूसरी गाड़ी का नाम है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। दोनों गाड़ी को कोई खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे कंपैरिजन के साथ। आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के डीजल मॉडल के साथ। थार के बारे में थोड़ा सा कुछ बताते हैं। थार जो दोस्तों गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में आती है। 12 से 14 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी आ जाएगी। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो की कीमत करीबन 14 से 17 लाख रुपए के आसपास में जाती है और इसमें सिर्फ डीजल वेरिएंट अवेलेबल है, पेट्रोल इसमें नहीं आता है। दोस्तों थार की बात करें तो आज हमने थार के कंपैरिजन के लिए लाए आपके लिए L4 4 सीटर 4x4 डीजल मॉडल, जिसकी कीमत है 14,16,000 रुपया शोरूम प्राइस, और स्कॉर्पियो का लिया है S9 मॉडल जिसकी कीमत है 15,79,000 रुपया, ये भी एक शोरूम कीमत है। दोनों की कीमत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर महंगा है स्कॉर्पियो, लेकिन आइए जानते हैं ऑन द लास्ट कंक्लूजन में कौन सी गाड़ी लेने के लिए होगी सही और किस में है ज़्यादा दम। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन वाइज दोस्तों जो थार है ये एक 4 सीटर SUV है और इसमें 3 दरवाजे देखने को मिलते हैं। वही बात करें स्कॉर्पियो की तो दोस्तों स्कॉर्पियो दिखने में काफ़ी अग्रेसिव SUV लगती है। गाड़ी में 7 लोग के लिए बैठने की जगह उसमें 5 दरवाजे देखने को मिलते हैं। बात करें जो हमारा थार है इसके अंदर 4x4 आता है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी स्कॉर्पियो के अंदर रियर व्हील का ड्राइविंग सिस्टम आता है। इसका जो पावर है वो पीछे वाले पहियों से आता है, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल बन जाती है। यहाँ पर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। लंबाई की बात करें तो स्कॉर्पियो आपको 471 mm का ज़्यादा लंबाई देखने को मिल जाता है थार के मुकाबले। चौड़ाई के मामले में आपको 55 mm का ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिल जाता है थार में एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो। और ऊंचाई के मामले में दोस्तों स्कॉर्पियो कोई जवाब नहीं है, 151 mm का ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो में। ग्राउंड क्लियरेंस आपको थार में 220 mm और स्कॉर्पियो में 180 mm का देखने को मिलेगा। बूट स्पेस आपको यहाँ पर थार के बारे में अभी कोई ऐसा डेटा नहीं है अवेलेबल है कितना होगा, लेकिन स्कॉर्पियो में 460 लीटर का आता है बूट स्पेस, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है डेली यूसेज के लिए। बात करें इंजन सेक्शन में, दोस्तों थार के अंदर दिया गया है 2.2 लीटर का एमहॉक 130 इंजन, जो कि एक डीजल इंजन है। ये इंजन 4 सिलेंडर का एक इंजन है जो कि पावर जनरेट करती है 130 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 300 Nm टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों प्रकार के गियर बॉक्स आते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल है इसमें ऑटोमेटिक आता है, जो कि 6 स्पीड की ट्रांसमिशन के साथ आती है, और गाड़ी 4 व्हील ड्राइविंग को सपोर्ट करती है। बात करें स्कॉर्पियो की, दोस्तों स्कॉर्पियो में आता है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, ये भी एक 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये इंजन जो है दोस्तों पावर जनरेट करता है 140 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 319 Nm टॉर्क। मैनुअल में गाड़ी में 6 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक इसमें नहीं अवेलेबल होता है, और ये गाड़ी दोस्तों रियर व्हील के ड्राइविंग सिस्टम के साथ आती है। तो ओवरऑल एक इंजन के बारे में छोटा सा आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, जो थार है ये 4x4 है, बहुत अच्छी बात है, ये गाड़ी किसी भी रास्ते से निकल सकती है। पर स्कॉर्पियो है जो दोस्तों, वो भी रियर व्हील ड्राइव की गाड़ी है, जिसके कारण ये गाड़ी भी कहीं से निकल सकती है, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव आने के बाद स्कॉर्पियो का असर जिस सिचुएशन में डाला गया है वो वहाँ से निकल सकती है। तो कह लें स्कॉर्पियो थार पे तो भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन अब टक्कर ज़रूर देगी इस मामले में। बात करें यहाँ पर अंदर से, आप देखिए सबसे पहले थार का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल और नेविगेशन, और 4 स्पीकर आते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो में भी आपको सेम यही 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल, नेविगेशन और 4 स्पीकर आते हैं। किस गाड़ी का इंटीरियर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे जो स्कॉर्पियो का इंटीरियर वो ज़्यादा अच्छा लगता है, थार का थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी का जो डिस्प्ले है वो इंटीरियर के सबसे मुझे बहुत छोटा लगता है, 10 इंच का आना चाहिए इसमें। खैर ये मेरा राय है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बात करें दोनों ही मॉडल के बीच में कंपेयर करके फीचर्स के मामले में, सबसे पहले वो फीचर बताएंगे जो कि दोनों गाड़ी में दिया गया है। पावर स्टीयरिंग दोनों में है, पावर विंडो आपको फ्रंट की तरफ थार में देखने को मिलता है और आपको स्कॉर्पियो में रियर की तरफ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि थार में 3 दरवाजे ही दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको फ्रंट में ही आएगा पावर विंडो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में है, सीट नंबर सपोर्ट दोनों में है, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, लेन चेंज इंडिकेटर, एसी हीटर दोनों गाड़ियों में मौजूद है। बात करें थार में एक एक्स्ट्रा फीचर जिसका नाम है स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, और स्कॉर्पियो की बात करें तो इसमें 2 एक्स्ट्रा फीचर है, पहला है रियर एसी वेंट और दूसरा है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। और ये दोनों फीचर को थार की जो फीचर है ये थार में नहीं जरूरत है, क्योंकि रियर एसी वेंट थार के लिए सामने का ही काफ़ी है, और गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर क्यों चाहिए जब आपके पास ऑटोमेटिक है।
तो ओवरऑल अब आते हैं अपनी सेफ्टी सेक्शन में। तो सेफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी थार का भी हाल ही में सेफ्टी टेस्टिंग हुआ है और इस गाड़ी को मिले हैं 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और स्कॉर्पियो का सेफ्टी रेटिंग आपके सामने है। दोस्तों जो हमारी ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है इसको मिली है 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। पर कुछ बातें नोटिस कर सकते हैं आप इसमें। पहली बात तो ये जो सेफ्टी रेटिंग है 2016 में हुई थी। दूसरी बात, इस सेफ्टी रेटिंग में कोई एयरबैग्स नहीं थे तो इस वजह से इसको मिले हैं 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। लेकिन अगर इसमें 2 एयरबैग्स आते तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2 या 3 स्टार इसको मिल जाते हैं सेफ्टी रेटिंग में। तो जिसकी वजह से हम इस सेफ्टी रेटिंग को मान भी सकते हैं और निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एयरबैग्स के साथ कोई चीज़ सेफ्टी रेटिंग होती है तो उसकी रेटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो क्या 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग स्कॉर्पियो की आपके हिसाब से सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि इसमें अगर एयरबैग्स लगा के अब सेफ्टी रेटिंग करा दे अगर महिंद्रा तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को साफ साफ रिजल्ट मिल सकता है। तो दोनों की अगर हम सेफ्टी रेटिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थार ही आपका पहला पसंद बनेगा सेफ्टी के मामले में। ABS, CVT, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, नेबुलाइजर, क्रैशन सेंसर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग लॉक दोनों गाड़ी में देखने को मिल जाती है। दोस्तों कम कीमत में भी होकर आपको थार में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों एज अ डिजाइन ये एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो इसके अंदर आपको ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट, ये सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये फीचर गिनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ऑन द रोड आते हैं तो भैया स्कॉर्पियो भी थार को बहुत कड़ी कॉम्पिटिशन दे देती है, ये बात याद रखिएगा। हालांकि ये फीचर है तो बताना मेरा फर्ज है और ये फीचर आपको ऑफ रोडिंग में बहुत मदद करेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। एक बार आते हैं सीधा कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन डालने से पहले छोटा सा ऑन रोड प्राइसिंग बताना चाहूँगा। इसको आपकी थार पड़ेगी इसकी डीजल टॉप 16,53,000 रुपया और स्कॉर्पियो पड़ेगी S9 आपको 18,51,000 रुपया। दोनों की कीमत में करीबन 2 लाख रुपए का फर्क है, 1,98,000 रुपए का यहाँ पर क्लियर वैल्यू में फर्क है। और ये मैं दिल्ली की प्राइसिंग बता रहा हूँ, हो सकता है आपके शहर हो वहाँ प्राइसिंग अप डाउन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थार के थोड़े से कंक्लूजन आते हैं। पहला, इसमें क्या प्रॉस मिलता है कि आपको 4x4 देखने को मिलता है काफ़ी कम कीमत पे। अगर आप एक ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं, आप हर रोज शिमला जाते हो, मनाली जाते हो और बहुत ख़राब रोड से चलते हो तो बेहतर है। यहाँ पर आपको 4 सीट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अगर इस कंपनी जो है महिंद्रा थार का अगर 7 सीटर वेरिएंट लाए इतने से और थोड़ा और कीमत बढ़ाए तो अच्छा रहे, लेकिन 4 सीटर ये गाड़ी है तो ठीक है। बोल्ड और यूनिक, जी हाँ दोस्तों ये दो बातें तो मैं नोट करना चाहूँगा। थार एक ऐसी गाड़ी है कि आपका रोड प्रेजेंस जो बनाती है, आप रोड पे चलिए आपका जो प्रेजेंस रहेगा वो बोल्ड और यूनिक लगता है, लोग इसको देख के मुड़ के देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज़ अभी थार में है। और बात करें हम लोग यहाँ पर स्कॉर्पियो में, तो सबसे बड़ी बात तो हम बात कर रहे हैं अगर हम थार और स्कॉर्पियो के बीच फर्क का, तो वो है साइज का। जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ी साइज की गाड़ी है, इसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है। दूसरा फर्क है दोस्तों 7 सीट्स होने का। दोस्तों जाहिर सी बात है आपको थार में 4 और इसमें 7 सीट देखने को मिल रही है। तीसरा मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा स्कॉर्पियो का, वो है इसका रियर व्हील ड्राइविंग पावर। अब जो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में आती है वो 4x4 से कम नहीं होती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट 4x4 के बराबर है, लेकिन हाँ भाई 19-20 का फर्क होता है। रियर व्हील ड्राइव दोस्तों बहुत सक्सेसफुल गाड़ियाँ हैं, बहुत कम भारतीय बाजार में ऐसी गाड़ियाँ जो कि रियर व्हील ड्राइविंग सताती है। तो जिसके से स्कॉर्पियो आज तक आप देखे होंगे ऑफ रोडिंग टेस्टिंग में भी स्कॉर्पियो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। दोस्तों ये रहा हमारा कंक्लूजन। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको 4x4 का मजा चाहिए तो आपके लिए थार है, लेकिन अगर आप रियर व्हील ड्राइविंग के साथ काम चला सकते हैं तो आप स्कॉर्पियो की तरफ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा सीट और ज्यादा बड़ी गाड़ी मिल जाती है। प्लस हाँ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये बात भी नोटिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑन द लास्ट कंक्लूजन पे आए तो दोस्तों पैसा कहाँ लगाना है ये आपकी मर्जी है। आप 7 सीटर लेना चाहते हैं या 4x4 का मजा लेना चाहते हैं ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। डिसीजन जो आपका होगा वो हमें पसंद है, तो आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को कर दें एक लाइक और बेसिक कंपैरिजंस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।